नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये बहुत चर्चे में है तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है देखिए एक्चुअली वाजपेयी साहब के टाइम भी मिश्रा जी थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बड़ी पावरफुल पोस्ट है एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट का मेन रोल क्या है डिफेंस फॉरेन अफेयर्स फिर इंटरनल में क्या एजुकेशन और हेल्थ तो देश की इंटीग्रिटी पहला काम है तो एन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बहुत अहम पोस्ट है पर कितनी पावर उसको दी जाती है फॉरेन मिनिस्ट्री भी उसको रिपोर्ट करती है डिफेंस मिनिस्ट्री भी रिपोर्ट करती है तो जो अजीत डोवाल साहब कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि देखिए उनका बैकग्राउंड रॉ uh, का भी है इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी है फॉरेन अफेयर्स का भी है और खुद वो लाइफ जासूस रहे हैं पाकिस्तान में और आईपीएस ऑफिसर हैं उनको तो ये ये इंटीग्रेशन फोकस दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड दिस इज स्ट्रेटजी और सबसे बड़ी चीज़ आज की दुनिया में मान आपको पता है क्या होती है देर इज अ कंसेप्ट जो कॉर्पोरेट में भी आता है नॉलेज मैनेजमेंट अरे भाई जो आपने पुराना सीखा है उसको आप यूज करके कैसे आगे बढ़ते हो अब एन एस ए होगा तो सारी चीज़ सारे इनपुट्स एक जगह आ रही हैं और उसको आप डाइजेस्ट करके एक नया डिसीजन ले रहे हैं तो दिस इज दिस इज हाउ स्ट्रेटजीज फॉर्म नहीं तो ताज़ा कुआं खोदना ताज़ा पानी पी लेना कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं तो ये अच्छा पॉइंट है बहुत अच्छा कदम है और आगे ये मेच्योर होगा तो देश के बड़े हित में है ये। हर मॉडर्न कंट्री बिग कंट्री हैज सच ए पोजिशन बाई डिफरेंट नेम मे बी